बनारस के रोहानिया में होगी सिर्फ बीजेपी की रैली। नरेंद्र मोदी के 3 कार्यक्रमों को किया गया रद्द। अमित शाह ने कहा रोहानिया में रैली आयोजित करने की इजाजत समय से मिल गई थी, इसलिए वहां होगी रैली। रोहानिया इलाके के जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी मोदी की सभा। बीएचयू में हेलीकॉप्टर उतारने की भी मिली इजाजत। चुनाव आयोग ने मोदी को गंगा आरती की दी इजाजत। बनारस में 4 जगहों पर सभा और होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मिली इजाजत। चुनाव आयोग ने कहा सुरक्षा कारणों से भेनियाबाग में नहीं होगी रैली। बीजेपी के दिग्गज नेता आज बीएचयू के बाहर देंगे धरना। दिल्ली में भी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी करेगी आंदोलन। वाराणसी में मोदी को रैली की इजाजत न मिलने से बीजेपी बिफरी। अरुण जेटली और अमित शाह देंगे धरना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर लंका गेट पर सुबह 11 बजे देंगे धरना। राजनाथ सिंह और सुधांशु मित्तल भी धरने में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में भी चुनाव आयोग के सामने होगा बीजेपी का धरना प्रदर्शन। हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और वीके मल्होत्रा होंगे शामिल। रैली को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। जेटली ने कहा आईबी की नहीं है कोई रिपोर्ट, वाराणसी के डीएम को हटाया जाए। सांप्रदायिक तनाव के रिकॉर्ड को देखते हुए बेनियाबाग में मोदी को रैली की नहीं दी गई इजाजत, लेकिन चुनाव आयोग के तर्क से बीजेपी नहीं है सहमत। वाराणसी में घर घर जाकर वोटर पर्चियां नहीं बांटने दे रहे चुनाव आयोग। बीजेपी ने कहा वोटिंग फीसदी घटाना चाहते हैं अधिकारी। आखिरी 9वें चरण में 12 मई को वाराणसी में होगा मतदान। मोदी के अलावा कांग्रेस से अजय राय तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल मैदान में। बीजेपी ने चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग। राहुल और मोदी में जुबानी जंग तेज। बहन के बचाव में उतरे राहुल ने कहा जाति नहीं कर्म से इंसान होता है नीच। बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। बोले कांग्रेस ने जो लूट मचाई वो है नीच कर्म। एनसीपी ने भी राहुल के बयान का किया समर्थन। तारिक अनवर बोले राहुल गांधी ने ठीक कहा, मोदी नीच राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी भी मोदी के बचाव में उतरी। राहुल के जवाब पर किया पलटवार। निर्मला सीतारमण बोली विकास को कांग्रेस कहती है नीच सोच। गोरखपुर में अखिलेश ने गुजरात मॉडल का उड़ाया मजाक। मोदी के मॉडल को बताया आरएसएस और वीएचपी का मॉडल। बलिया में मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर बरसी। मोदी के बारे में कहा सांप्रदायिक सोच रखने वाला व्यक्ति देश का पीएम कैसे होगा। एनआरसीन के जवाब में बीजेपी ने तैयार किया मोदी सीन। बलिया में राजनाथ सिंह ने कहा दर्द दूर होने पर खाते हैं क्रोसिन और एनआरसीन। देश की बीमारी ठीक हो इसके लिए हमने तैयार किया है मोदी सीन। नीच शब्द को लेकर सियासत में भूचाल। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर लंबी मर्यादा। मोदी को कहा नीच जाति से भी आते हैं और नीच हरकतें भी करते हैं। 16 तारीख को चौंक जाएगी बीजेपी। शशि थरूर ने कहा बीजेपी ने पूरे देश में अपनी जीत का खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। अदालत की चौकट तक पहुंचा नीच राजनीति का मामला। बिहार के 2 अलग अलग कोर्ट में प्रियंका गांधी के खिलाफ केस दर्ज। मोदी पर टिप्पणी करने का आरोप। नीच राजनीति पर बीजेपी कांग्रेस पर हुई हमलावर। राहुल गांधी और प्रियंका को नीच बोलने पर चेताया। शाहनवाज बोले देश की जनता को धमकाने की कोशिश ना करें। मोदी ने कृष्णानगर में राहुल पर किया हमला। बोले अमेठी में राहुल को हारने का डर, इसलिए वोटिंग के दिन पहुंचे अमेठी। बेतिया में मोदी ने किसानों को लुभाने की कोशिश की। बोले कांग्रेस को किसानों का दर्द नहीं दिखाई देता, लेकिन उन्हें नीच राजनीति में मजा आता है। मोदी ने पाकिस्तान के करतूतों के बहाने केंद्र पर साधा निशाना। कहा हमारे जवानों का सिर पाकिस्तान ले जाता है और केंद्र खामोश रहता है। मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। यूपीए को कहा घोटालों की सरकार। बोले कांग्रेस रात भर मोदी को गाली देने के बारे में सोचती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी। एनडीए सरकार बनने पर वरिष्ठ नेताओं को तरजीह देने पर हुई चर्चा।
एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने प्रफुल्ल पटेल के बीजेपी में शामिल होने से किया इनकार। अहमदाबाद में जयनारायण व्यास ने अमित शाह को राहत मिलने पर जताई खुशी, बोले यूपीए की साजिश का हुआ पर्दाफाश। जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने अमित शाह को राहत मिलने पर टिप्पणी करने से किया इनकार, बोले जेडीयू अभी चुनावों पर दे रही है ध्यान। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने इशरत जहां केस में शाह को राहत मिलने पर जताई नाराजगी, बोले इशरत जहां थे निर्दोष, इस मामले में कई अधिकारियों को मिली है सजा। वाराणसी में कांग्रेसी नेताओं का लगा जमावड़ा, गुलाम नबी आजाद, मोहसिन किदवई, राज बब्बर और श्रीप्रकाश जायसवाल पहुंचे वाराणसी, वोटिंग के आखिरी दो दिनों में सोनिया भी पहुंचेंगी बनारस। अजय राय के प्रचार के लिए राहुल गांधी भी 10 मई को पहुंचेंगे बनारस, मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को वाराणसी सीट से उतारा है। अंतिम दौर में पहुंच चुका है 16वीं लोकसभा का चुनाव, राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत, आखिरी चरण में 3 राज्यों की 41 सीटों पर चुनाव। मोदी आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, लालगंज, चंदौली और वाराणसी में करेंगे रैली, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। फिल्म अभिनेता परेश रावल बनारस में मोदी के प्रचार के लिए इन्होंने डाला डेरा, विवेक ओबेरॉय और शत्रुघ्न सिन्हा भी जुटाएंगे समर्थन। एसपी के दिग्गज भी आखिरी 3 दिनों में पूर्वांचल का बढ़ाएंगे सियासी तापमान, आजमगढ़ समेत कई जगह करेंगे रैली, सोनिया भी ठोकेंगी ताल, कुशीनगर और सलीमपुर में करेंगी रैली। मायावती भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने की कर रही हैं कोशिश, आज गाजीपुर और मिर्जापुर में करेंगी जनसभा। मोदी के लिए प्रचार करने परेश रावल पहुंचे बनारस, बनारस में किया रोड शो, गुजरात के अहमदाबाद ईस्ट से लड़ रहे हैं चुनाव। बनारस के सिंगरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे परेश रावल, का अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता भी गुजरात में फ्री में करते हैं विज्ञापन, मोदी की ईमानदारी से हैं परिचित। यूपी के कुशीनगर में मोदी के लिए प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी, राहुल पर कसा तंज, कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल अपने नानी घर जाने वाले हैं। बनारस में अजय राय के लिए प्रचार करने पहुंची रीता बहुगुणा जोशी, मोदी पर निशाना साधते हुए कहा जिसने 45 साल पहले मां को छोड़ दिया वो देश का राजा बनना चाहता है। अजय राय के लिए प्रचार करने पहुंची थी रीता बहुगुणा जोशी, जनता से मांगा वादा, कहा पहले बनारस से पत्ता काटो फिर गुजरात से पत्ता काटने चलेंगे। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान, यूपी के 15, बिहार में 7, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की 4, बंगाल की 6, जम्मू कश्मीर की 2 और आंध्र की 25 सीटों के लिए डाले गए वोट। 8वें चरण में कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर, राहुल गांधी, वरुण गांधी, बेनी प्रसाद वर्मा, राबड़ी देवी, पासवान, रूड़ी और अनुराग ठाकुर की किस्मत ईवीएम में बंद। 8वें चरण में भी बंपर वोटिंग, बंगाल ने वोटिंग में सबको पछाड़ा, 81% हुई वोटिंग, बंगाल की 6 सीटों पर था चुनाव। हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड और सीमांध्रा वोटिंग में फर्स्ट क्लास से हुआ पास, यूपी में 15 सीटों पर था मतदान जबकि सीमांध्रा में 25 सीटों पर थी वोटिंग। बिहार के 7 सीटों पर 58% वोटिंग दर्ज, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 49.58% पड़े वोट। ₹5,600 करोड़ रुपए नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में आया नया मोड़, फाइनेंशियल टेक के प्रमोटर जिग्नेश शाह गिरफ्तार, आज मुंबई कोर्ट में किया जाएगा पेश। जिग्नेश को मुंबई पुलिस ने घंटों की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक जिग्नेश शाह को NSEL स्कैम में उनके जुड़ाव के चलते किया गया गिरफ्तार। पिछले साल जुलाई भुगतान संकट में फंस गई थी जिग्नेश शाह की कंपनी, करीब 18,000 निवेशकों को कथित रूप से लाखों रुपए का हुआ था नुकसान। जनवरी 2001 से ही शाह थे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी के साथ मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या हुई 7। जिग्नेश शाह MCX स्टॉक एक्सचेंज के भी हैं ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव, नियमों के मुताबिक उनकी 26% हिस्सेदारी अगले 90 दिनों में 2% और फिर 3 साल में शून्य पर आ जाने वाली थी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार संजय भानु ने कहा है कि उन्होंने अपनी किताब आम चुनाव के पहले जारी करने की सलाह दी गई थी क्योंकि बाद में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हवा की गुणवत्ता के लिहाज से दिल्ली दुनिया में सबसे खराब शहर है। चेन्नई ट्रेन दोहरे ब्लास्ट में आरोपियों का सुराग बताने वालों को तमिलनाडु की टीजीपी 5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली में मंदिर मार्ग इलाके में महिला से गैंगरेप का आरोपी पकड़ा गया, एक शख्स अब भी फरार। मंगलवार को 3 शख्स ने वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली के मंगोलपुरी में कार में लगी अचानक आग, 32 साल के अमित मोगा की कार में ही हुई मौत, घर से गोदाम जाने के वक्त हुआ हादसा। दिल्ली से गुप्तकाशी जा रहे श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, टिहरी के पास हादसा, 13 लोगों की मौत, 28 जख्मी। सरकारी अमले के चुनाव ड्यूटी में लगे होने की वजह से राहत बचाव कार्य में हुई देरी, लोगों में खासा आक्रोश, सूबे की सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। गया की शील घाटी में जयपुरी टीएस ने छापा मारकर उमर आसिफ नाम के युवा को किया गिरफ्तार, उमर आसिफ की रिहाई की मांग को लेकर थाने पर लोगों ने किया पथराव। उमर आसिफ पर बम ब्लास्ट करने का आरोप, उमर आसिफ आईएम के लिए करता था काम, कई सालों से पुलिस को थी उसकी तलाश। असम के नगांव में कई संगठनों ने घिंड गेट के सामने निकाला शांति जुलूस, हिंसात्मक घटना के विरोध में निकाला गया था जुलूस, तरुण गोगोई को सौंपा ज्ञापन, प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। असम के हिंसाग्रस्त बीटीएडी जिससे शवों के मिलने का सिलसिला जारी, बक्सर जिले से किए गए और 5 शव बरामद, मरने वालों की संख्या हुई 43। बक्सर जिले से बहने वाली बेकी नदी से शवों को किया गया बरामद, अभी तक नहीं हो पाई शवों की पहचान। हिंसा के 6 दिन बाद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को याद आए अपने, हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ित लोगों से भी की बातचीत। सीएम से मिलने पर शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों ने की इंसाफ की मांग, गोगोई ने भी कहा आरोप सिद्ध होने पर 5 मिनट में मिलेगी सजा। असम के सीएम तरुण गोगोई ने किया कोकराझार के बारापाड़ा का भी दौरा, पीड़ितों ने कहा सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो लाइन में खड़े होकर गोली मार दीजिए। अफगानिस्तान में भूस्खलन के बाद बेघर हुए लोग अपनों की तलाश में जुटे, मलबे से अब भी निकल रही है लाशें, भूस्खलन से हजारों लोगों की हुई थी मौत। नाइजीरिया में ब्रिटिश वित्त मंत्री मून का लोगों ने किया जोरदार स्वागत, सड़कों पर उतरे लोग, वित्त मंत्री ने नाइजीरियन बच्चों से भी की मुलाकात। नाइजीरिया में स्कूल छात्र के हो रहे अपहरण पर ब्रिटिश वित्त मंत्री ने जताई चिंता, लोगों को मदद का दिया भरोसा। फ्रांस की सेना ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ खोला मोर्चा, हमलावरों पर बरसाई गोलियां, तोप से उनके ठिकानों को किया तहस नहस। रोम में पावर मंत्रियों की बैठक, यूरोप की बिजली समस्या पर हुई चर्चा, इटली में महीनों से बिजली संकट से जूझ रहे हैं लोग। किरण पोलार्ड और मिशेल स्टार्क की मैदान पर उलझना पड़ा महंगा, पोलार्ड को 75 और स्टार्क को मैच फीस का 50% जुर्माना। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को लगा झटका, जहीर खान चोट के चलते सीजन 7 से हुए बाहर, दिल्ली से सौरभ तिवारी भी आउट। आईपीएल में क्रिस गेल की फिटनेस पर उठे सवाल, गेल ने कहा हैमस्ट्रिंग इंजरी से पूरी तरह नहीं उबरा। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया, गंभीर ने खेली 69 रनों की शानदार पारी। आरसीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित मोदी ने बीसीसीआई के खिलाफ दिखाए बगावती सुर, कहा अब राजस्थान प्रीमियर लीग शुरू करने का है इरादा।